नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्या होता है कि आप किसी बात की वजह से जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होती है और अचानक से ऐसी घटना घटती है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, परेशानी उत्पन्न करती है, तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और ऐसे में आप उसकी हानि से, अपेक्षित हानि से बचने की कोशिश में निर्णय लेते हैं। मैंने अपने जीवन में क्या देखा कि जब भी मैं परेशान होता हूँ और अचानक से कुछ निर्णय लेना चाहता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे रोक देती है और मुझे कहती है तुम्हें मैं एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिलाती हूँ, चाय पिलाती हूँ, विश्राम करें, आराम करें, जब तुम्हारा तनाव खत्म हो जाए कल सुबह इस समस्या पर विचार करेंगे। और बहुधा ऐसा होता है कि जो निर्णय मैं लेना चाहता हूँ उसको अगले दिन बदल देता हूँ। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक दूसरे व्यक्ति से परामर्श लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो तनावग्रस्त नहीं था, मैं तनावग्रस्त था। और इस अनुभव से मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट, जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा बात किए जाने वाले लोकप्रिय निवेशक रहे हैं और उन्होंने हमें बताया है कि निवेश करने का सही तरीका क्या है, तो वो कहते हैं कि निवेश करने के लिए आपको टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा। उनके गुरु हैं बेंजामिन ग्राहम, और बेंजामिन ग्राहम कहा करते थे कि एक निवेशक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो स्वयं का दुश्मन है। यकीन होता है आपको? उनका ये कहना है कि व्यक्ति खुद ही का दुश्मन होता है। और ऐसे में ये दुश्मनी क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति भावनाओं के अधीन होता है। ये भावनाएं हमें बेहद परेशान कर सकती है। जहां तक भावनाओं का असर है, भावनाओं का प्रभाव है, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप महाभारत से एक प्रसंग को लेते हैं, महाभारत के प्रसंग पर बात करने से पहले मैं आपको एक विकल्प देता हूँ कि आपको क्या चाहिए। आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए या आपको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो आपको मदद कर सके निवेश करने के लिए? कौन बेहतर है? तो आप समझिए कौन, किसको आपको पहले चुनना चाहिए, यही मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। महाभारत का जब युद्ध तय हो गया कि युद्ध होने वाला है, तो कौरव और पांडव दोनों ही तमाम राजाओं से मदद मांगने के लिए निकले। और जब वो मदद मांगने के लिए निकले तो द्वारकाधीश के पास भी गए। जब वो द्वारकाधीश के पास में गए तो उस वक्त वो सो रहे थे, तो वो विश्राम करने लगे कि जब कृष्ण उठेंगे तब उनसे मदद मांगेंगे। तो जो अर्जुन है वो पैरों की तरफ बैठ गए और दुर्योधन जो है उनके सिर की तरफ बैठ गए। जब कृष्ण निद्रा से जागे तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और अर्जुन को हक दिया कि तुम पहले मांगो, क्या मांगते हो? मेरे पास दो ही चीज़ें आपको देने के लिए है, एक तो मेरी सेना है जो कोई युद्ध नहीं हारी, और दूसरा मैं हूँ जो हथियार नहीं उठाऊंगा। जिसकी तरफ मैं जाऊंगा उसको मैं अपनी सेना नहीं दूंगा, और जिसको सेना दूंगा उसके साथ मैं नहीं जाऊंगा। दोनों में से एक का तुम चुनाव कर सकते हो। अर्जुन ने कुछ भी देर नहीं की और अपना चुनाव सुना दिया। पर उसी बीच दुर्योधन बहुत घबरा गया। ये कृष्ण जो हथियार नहीं उठाने की बात कर रहे हैं, अगर ये मेरे पास आ गए तो मेरे क्या काम के? सेना पूरी अर्जुन ले जाएगा, और ये वो सेना है जो कोई युद्धहारी नहीं है, तो हम तो युद्ध लड़ने से पहले ही हार गए। और वो चिंतित हो गया। लेकिन महान आश्चर्य हुआ दुर्योधन को दोस्तों, जब उसने देखा कि अर्जुन ने सेना का चुनाव नहीं किया, अर्जुन ने कृष्ण का चुनाव किया। आप ध्यान से समझिए इस बात को, बड़ा अजीब सा लगता है देखने में कि निहत्ता कृष्ण क्या काम आएंगे, पर मैं आपको सीधा यहां से इस प्रसंग से युद्ध भूमि में ले सकता हूं। सामने कौरवों की सेना खड़ी है, यहां पांडवों की सेना खड़ी है, युद्ध शुरू ही होने वाला है, और अर्जुन के भरोसे, अर्जुन ही सबसे वो व्यक्ति है जिसके ऊपर युधिष्ठिर निर्भर करते हैं विजय प्राप्त करने के लिए। जब अर्जुन युद्ध के लिए सामने आते हैं तो अपने पितामह भीष्म को देखते हैं, अपने गुरु द्रोण को देखते हैं। ऐसे में वो व्यथित हो जाते हैं कि मैं युद्ध क्यों लड़ रहा हूँ? मैं अपने ही पितामह जिनकी गोदी में खेला हूँ उन पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने गुरु पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? मन में व्यथा होती है, ग्लानि होती है, और उनके हाथ से गांडीव गिर जाता है। वो अपने गांडीव को, अपने धनुष को नीचे रखते हैं, कृष्ण के पैरों में बैठते हैं और कहते हैं मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मैं इनके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। आप जानते हैं उस वक्त अर्जुन के मन में क्या चीज़ हावी थी? उनकी भावनाएं, उनका आदर सम्मान अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, और उस आदर के तहत वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। और तभी दोस्तों गीता लिखी गई। कृष्ण ने अर्जुन को मना लिया युद्ध करने के लिए, अर्जुन ने भावनाओं पर विजय प्राप्त की, और आगे का इतिहास आप जानते हैं। ये युद्ध तो पांडव पहले ही हार गए थे क्योंकि अर्जुन
भावनाओं के अधीन था। जब हम भावनाओं के अधीन होते हैं दोस्तों, तो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। बहुधा निवेश में ऐसा होता है, निवेश में जज्बात आते हैं, निवेश में परेशानियां आती हैं, बाजार ऊपर नीचे होता है, हमारे पोर्टफोलियो को नुकसान होता है, हमारे प्रिंसिपल को हानि पहुंचती है। पैसा जो हमें प्राणों से प्यारा है, जब उसमें हम हानि देखते हैं तो हमें बहुत इच्छा होती है कि इस बाज़ार को छोड़ के चले जाएं, इस निवेश को छोड़ के चले जाएं, अपने पैसे को बचा लें, और यकायक हम गलत निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, कोई एक्सपर्ट हमारी मदद करे, जो हमें सही मार्गदर्शन बताए कि हमें जब चुनौतियां हमारे सामने हैं तो क्या निर्णय लेना चाहिए, तो हमारी जो यात्रा है वो समुचित रूप से जारी रहती है। और हम सभी जानते हैं कि कामयाब वो होता है जो लंबी यात्रा को पूर्ण करता है। मेरा ये मानना है, और आपने भी जीवन में अनुभव किया होगा, जब भी आप भावनाओं के अधीन होते हैं, निर्णय बहुधा गलत ले लिया करते हैं। ऐसे में अगर किसी के एक्सपर्ट का हमें सहारा मिल जाए तो हम गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। और हमेशा याद रखें दोस्तों, निवेश में सही निर्णय लेना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि हम गलत फैसले ना करें। उम्मीद है कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। निवेदन करूँगा कि इस पर और चिंतन करें और शोध करें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद। An investor education and awareness initiative by HDFC Mutual Fund. ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।